मैं डॉक्टर प्रीति दोषी पिछले 17 सालों से जसलोक हॉस्पिटल के पेन मैनेजमेंट क्लिनिक में एज अ कंसल्टेंट और इंचार्ज प्रैक्टिस कर रही हूँ। पेन किलर्स की ज़रूरत हमें काफ़ी टाइम पड़ती है। हमको अमुक चीज़ें खास ध्यान में रखना है, जिसमें कि पहली है कि पेन किलर कभी खाली पेट ना ले, हमेशा कुछ खाने के साथ या खाने के बाद ले आप, या तो कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 2 बिस्किट्स या मिल्क के साथ ले ले आप टैबलेट, और जो डोज में आपको प्रिस्क्राइब किया गया है और जितनी फ्रीक्वेंसी में बोला गया है उतने ही डोज में आपको लेना चाहिए, और उसको एक लिमिटेड पीरियड के लिए लेना चाहिए। और जब हम पेन किलर दवाइयाँ लेते हैं, हमको ये भी ध्यान में रखना है कि साथ साथ हमको पानी की मात्रा बॉडी में सही रखनी है, अच्छे से हाइड्रेशन करना है बॉडी का, और उसके अलावा अल्कोहल का उपयोग ना करें जब आप पेन किलर लेते हैं, क्योंकि उससे हो सकता है कि एसिडिटी का प्रमाण दोनों का कंबाइन होगे और ज़्यादा होके आपको तकलीफ दे सकता है। दूसरी एक चीज़ खास ध्यान में रखें कि अगर आप कोई दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो कुछ पेन किलर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उनको आपके पहले वाले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर बता दें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरे डॉक्टर भी आपको सेम दवाई कुछ और अलग नाम से प्रिस्क्राइब कर दें, और जो आपको रियलाइज़ ना हो सके तो आप दोनों दवाइयों को कंबाइन करके बहुत ही ज़्यादा डोज लेके आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।